राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं बहुत ही खास मेहमान, दिल्ली की मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता शीला दीक्षित। शीला दीक्षित, राजनीतिक परिवेश में पली बढ़ी शीला दीक्षित का फिल्मों से गहरा लगाव है। बचपन से ही फिल्मों की शौकीन शीला दीक्षित का गीत संगीत से भी पुराना नाता रहा है। फिल्में देखना उन्हें आज भी अच्छा लगता है। वो सिनेमा को संस्कृति और समाज का आईना मानती हैं। राजनीति में व्यस्त होने के बावजूद शीला दीक्षित फिल्में देखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फिल्मों से जुड़ी यादों पर हमने उनके घर पर उनसे बातचीत की। बहुत बहुत स्वागत है शीला जी। थैंक यू। आप जानती हैं शीला जी के सिनेमा का भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर है। निजी तौर पर जब आप सिनेमा से जुड़े हुए अपने अनुभवों को यादों में पीछे जाकर देखती हैं तो आप क्या पाती हैं? देखिए, सबसे पहला फिल्म का असर तो होता है कि वो एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का जरिया है और हर साल उसमें तरक्की हो रही है। पहले आप सिनेमा हॉल जाते थे और मुझे बचपन में ये भी याद है कि जहाँ सिनेमा हॉल नहीं होते थे वो एक पर्दे लगा दिए जाते थे बाहर के लोग। मेरे ननिहाल में जब हम जाते थे तो हज़ारों की तादाद में सिनेमा को देखने आते थे। उसका प्रभाव शायद ड्रामा से, थिएटर से, संगीत से इसलिए ज़्यादा पड़ता है कि वो इंस्टेंट होता है। आपने अपने ननिहाल की बात की जहाँ खुले में शायद सिनेमा दिखाया जाता था, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी और वो कौन सी फिल्म होगी जो आपने वहाँ देखी फिल्म होगी? तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उम्र होगी 5-7 साल की, 8 साल। कौन सी जगह थी वो? कपूरथला। कपूर मेरा ननिहाल में था तो वहाँ होता था सिनेमा, हम लोग जाते थे। कुछ उस वक्त ज़्यादा समझ नहीं थी एक्सेप्ट वो आकर्षण ज़रूर होता था और टिके रहते थे क्योंकि वो चल रहा था। लेकिन कौन सी फिल्म थी, मेरी माँ कहा करती थी कि राजा हरिश्चंद्र थी। उसका आनंद कुछ और ही था क्योंकि वो एक तो सारे समाज को इकट्ठा कर लेता था, जो वैसे शादी ब्याह में होता था वो एक स्थल बन गया जहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, मूँगफली खाई या चने चबाए वगैरह। उसमें बीच बीच में बिजली चली जाती थी या तार टूट जाता था तो वो भी एक, उसमें भी एक आनंद था क्योंकि उसमें फिर हम एक दूसरे से बात करते, अपने अपने घरों से कुर्सियाँ उठा कर लेकर आते और कभी कभी पलंग भी लेकर आते। तो वो शायद 2 घंटे की फिल्म जो थी वो 3-3, 4-4 घंटे, तो वो एक वो नए किस्म का मनोरंजन था। लेकिन जैसे कपूरथला में आपने कहा, चूँकि आपकी उम्र बहुत कम थी, 5 साल के बच्चे को अब याद उस तरह नहीं होगा, लेकिन जहाँ से आपकी याद साथ देती हो तब बताइए कि वो कौन सी पहली फिल्म रही होगी जो आपने देखी और उस जादू में आप बंध गईं? हैमलेट। Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die. And enterprises of great pith and moment, with this regard their currents turn awry and lose the name of action. मैं तब स्कूल में पढ़ रही थी और शेक्सपियर हमारे स्कूल में किया गया था। रेस कोर्स का यहाँ पर अभी सिनेमा है, प्राइम मिनिस्टर की कोठी के बिल्कुल पास था। उसमें 1 रुपये 25 पैसे का टिकट मिलता था तो वो हमें दे दिया जाता था। तो जो मुझे पहली फिल्म जिसकी बहुत अच्छी याद है वो है अंग्रेज़ी में हैमलेट की। उसको हमने एक दो दफ़ा देखा
बहुत अच्छी लगी। और हिंदी में थी मिर्ज़ा गालिब उसकी भी, जिसमें सुरैया और भारत सुरैया भारत भूषण थे, उसका संगीत भी बहुत अच्छा था। हिंदी फिल्म्स में तो संगीत हमेशा ही बहुत रहा है जी। वो और फिर उसमें नाच गाने जो भी होने तो हम लड़कियों ने उसको कॉपी करना घर में। अगर मिर्ज़ा गालिब की ही याद करें तो कोई एक गाना जैसा आपको कुछ अगर याद आता हो क्या था कोई? इसने भूषण ने गाया था, मिर्ज़ा गालिब ने गाया था ना हुआ क्या है समथिंग, दिले नादा तुझे दिले नादा हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये तो हुई मिर्ज़ा गालिब की बात जो कि आपकी याद में शायद पहली कोई हिंदी फिल्म जो अटकी हुई सी रह गई हो, और उसके बाद तो सैकड़ों फिल्में आपने देख डाली। कोई एक फिल्म जो आपको खींचती है बार बार? देखिए इसमें बंदनी बहुत अच्छी फिल्म थी, फिर एक बिमल रॉय की बहुत सारी फिल्में बहुत ही अच्छी थी, और सुजाता वो भी शायद बिमल रॉय की थी। तो ये फिल्म्स में फिल्म के अलावा एक सेंसिटिविटी इमोशन का कैसे प्रकट होना। मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, प्रार्थना तक नहीं की, लेकिन अब जब तक जिंदा रहूंगा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि तुम सुखी रहो। ओरे माझी ओ, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार मेरे साथ। इसलिए मैं कंपैरिजन उस वक्त नहीं है ऐसा सब होता था, लेकिन क्यों ये फिल्में याद रहीं, क्यों जॉनी वॉकर चंपी का गाना जब उसने गाया तो क्यों वो याद रहा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। देखिए कि फिल्में बहुत बदल गई, लेकिन जब आप कॉलेज में रही होंगी, स्कूल में रही होंगी, तब शायद फिल्मों का एक अलग तरह का ही जादू होता है। शुरू में ये माना जाता था कि फिल्मों में काम करना भी एक बुरी चीज़ है, फिल्में देखना भी बुरी चीज़ है, लेकिन आपको जो पारिवारिक माहौल मिला उसमें क्या फिल्में देखने का एक लड़की होने के नाते भी क्या उतनी आज़ादी थी? हाँ आज़ादी थी, ऐसा कुछ नहीं था। कभी हमारे माता पिता ने या बड़ों ने ये नहीं कहा कि ये फिल्म देखने लायक नहीं है, ये नहीं। लेकिन आज के जो सिनेमा उससे जब तुलना करें तो उसमें एक लिहाज था, कल्चरल लिहाज था, भाषा का बहुत बड़ा लिहाज था। और बहुत सारी भाषा हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि आपने देखा नहीं उसको कैसे तहजीब से बोला जाता है, कैसे पेश किया जाता है। इस तरह से फिल्में आपकी ज़िंदगी में एक तरह से शिक्षण का भी कोई रोल प्ले कर रही थी? जी हाँ। वो कैसे अगर आप देखिए उसमें जो जैसे मैंने कहा देख कर कोई चीज़ उसकी याद रहती है, भाषा उसने कैसी बोली, उसका कपड़े कैसे रहे। कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट करती थी जो हम पढ़ाया जाता था। वो कैसे? जैसे पढ़ाई और डेमोक्रेसी तब तक थी बहुत अच्छी तरह से कि वी आर ऑल इक्वल, कोई राजा शहजादा नहीं है। और उस वक्त आज कुछ ज़्यादा जोर है कास्ट पे ऊपर। उस वक्त तो आप यकीन मानिए कि मुझे कॉलेज तक ये नहीं पता था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ अगर जो पुराना तरीका लिया जाए तो। वो एहसास नहीं था, वो सब होता था। और कुछ
स्ट्रगल ऑफ पॉवर्टी होता था, दो बीघा ज़मीन में जैसे था, यू नो वेरी पॉइंट और बहुत ही दयनीय। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुरत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम महसूद कर चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। है, निकल जाओ यहां से। सरकार दया कीजिए, सरकार, सरकार, सरकार। सो उसको और जो हम पढ़ रहे थे मूवमेंट्स इन मार्क्स के बारे में या किंग्स एंड क्वींस ऑफ बोथ रशिया एंड यूरोप एंड ऑल, तो उसमें जो पढ़ाई होती थी और उसको फिर हम जो फिल्म में देखते थे उसका एक जाने अनजाने में एक मिश्रण हो जाता था। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो हमारे साथ साझा कर रही हैं फिल्म से जुड़ी हुई अपनी यादें प्रोग्राम यादों के साए में। शीला जी, बात कर रहे थे हम कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है और किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसमें कई बार आपको भेद नज़र आया। ये जानना दिलचस्प होगा कि अब जबकि DVD या उससे पहले VCR, आज होम थिएटर, आप घर बैठे फिल्में देख लेते हैं, लेकिन लंबा अरसा एक फिल्म प्रेमी के लिए फिल्म थिएटर में जाकर ही देखने का दूसरा नाम था। आपने जब से सोशल लाइफ में एक जबकि आपकी एक पहचान लोग जानते हैं, कैसे आप थिएटर में जाकर फिल्म देख पाती होंगी? क्योंकि फिर तो ये भाई शीला जी आ गई, एक इस तरह की बात होती होगी। क्या अनुभव है आपका थिएटर में आम लोगों के साथ फिल्म देखने? इरफान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मज़ा और आनंद थिएटर में जाकर फिल्म देखने का होता वो घर में नहीं आता है। एक तो डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिल्म, तो नेचुरली स्क्रीन बहुत बड़ा होता है और एक माहौल होता है फिल्म देखने का। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लोगों को, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा लगता है लोग आते हैं इंटरवल में, खास क्योंकि मैं पहुँचती ज़रा जब शुरू होने वाला आता है, जब आता है वो सर्टिफिकेट वाला मामला, बोर्ड ऑफ सेंसर्स वाला, तब वही समय लेती हूँ कि अंदर से जाऊँ, फिर इंटरवल में लोगों को पता चलता है तो मिलते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक मिलने का बहाना हो जाता है। तो कोई एक फिल्म आपको उसके गाने की वजह से या उसकी कहानी की वजह से, उसके किसी एक्टर की वजह से, किसी एक्ट्रेस की वजह से, उसके सोशल मैसेज की, कौन सा ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जो फिल्म आपको कहती होगी इस फिल्म को मुझे कहीं पे भी देखना है, चाहे थिएटर में देखना है, चाहे होम थिएटर में देखना है, VCR पे देखना है, कहीं पे भी उसे देखना है, कोई एक चीज़ जो आपको कहती है कि इस फिल्म को देख? काश मैं आपको एक ही फिल्म ऐसी बता सकती। मैंने कई फिल्में जो मुझे अच्छी लगती हैं, उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसकी कहानी मधुर है, मुझे वो बहुत सारी मार ताड़नी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ये जिसमें अच्छा संगीत भी हो और एक ऐसा हो आइडेंटिफिकेशन भी हो सके कि हाँ ये जीवन से आइडेंटिफाई करते, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब भी मेट, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, परिणीता, इनको मैंने दिलवाले दुल्हनिया तो खैर ऑल रिकॉर्ड्स मैंने खुद ही ब्रेक कर दिए, 12-13 दफ़ा देख ली होगी, लेकिन और जो हैं इनको 5 बजे 6 दफ़ा 7 दफ़ा दिल चाहता है वगैरह वगैरह, ये कुछ जो फिल्में ऐसी हैं कि जो जीवन का दर्पण है। दीज थिंग्स हैपन इन लाइफ, आई हैव अ हैप्पी एंडिंग, मेक यू फील नाइस, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, वो फिल्में मुझे बहुत। और एक्टर्स अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, आमिर खान अच्छे हैं, शाहरुख खान अच्छे हैं, शाहिद कपूर बहुत अच्छे हैं, और अब जब भी मेट में जो कैरेक्टर
शाहिद कपूर का है, वो अच्छा है, अच्छा लगता है, लुभाता है, प्लेड डाउन सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। और परिणीता में इसका विद्या बालन का जो है इतना अच्छा एक चरित्र है वो है। तो ये सब म्यूज़िक भी इन तीनों चारों में इत्तेफाक से, और मेरे ख्याल में हिंदी फिल्म जिसका म्यूज़िक अच्छा ना हो तो वैसे ही नहीं अच्छी लगेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जैसे खुशी है, इन्जॉयमेंट है, बट इट इज़ गुड क्लीन फन। ¿Sí? Name samcha, name jana, jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun mujhe sunke acha laga hai señorita. Aur music acha hai, aur kis tarah se culture स्पेन का दिखाया जाता है। मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। वेरी नाइस। सो ये सिंपल फिल्म्स, नॉट टू मच ऑफ गैजेट्री। अब जैसे ये जो फिल्म दोबारा बनाई गई है जोधा अकबर, उसको और मुगले आज़म को आप कंपेयर करिए, तो मुगले आज़म अपने ज़माने में बहुत ही बढ़िया और आज भी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा ख़्याल है मधुबाला से ज़्यादा आकर्षित एक्ट्रेस अभी तक नहीं कोई हुई है। उसमें जो एक मिस्टिक था मीना कुमारी में था किसी हद पर मधुबाला में बहुत ज़्यादा। और आज के जोधा अकबर वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कंपेयर करें तो शायद जो मुगले आजम थी वो जोधा अकबर नहीं है। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्ताहिक। सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। दरोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो। जिस तरह आपने मधुबाला का नाम फिल्मी हीरोइनों में लिया, उसी तरह किसी हीरो का नाम अगर लेना ही हो तो किसका लेंगी? देवानंद। उसमें क्या है ऐसा? देखिए, मैं आपको एक भी सेकंड नहीं लगे ये सोचने में, ये जवाब देने में। जी, मैं आपको बताती हूँ, जिस उम्र में देवानंद ने काम किया वो उम्र हम लोगों की टीनेज की थी, तो कोई स्मार्ट हैंडसम आदमी दिखाई दे जाए तो वही अच्छा लगता था। जैसे ग्रेगरी पेक हमें वेस्टर्न फिल्म में अच्छा लगता था, रॉक हडसन लगता था, तो इसी तरह से ये एक ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंगली गुड लुकिंग। आज भी जब भी उनकी नहीं रहे तो जब उनकी देखती हूँ, एक्टिंग नहीं अच्छी करते थे, मैं बड़ी साफ तौर से कह रही हूँ, आई कांट से बजा आउटस्टैंडिंग एक्टर थे दिलीप कुमार थे। फिर भी पारों की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, वो शादी के रास्ते पर चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते पर। और दिलीप कुमार की बात करें तो उनकी किस फिल्म के लिए, जैसा कि आपने कहा कि एक्टिंग के लिए आप दिलीप कुमार को याद करेंगे, किस फिल्म के लिए उन्हें याद करेंगे? दिलीप कुमार की तो खैर बहुत सारी फिल्में हैं, उसमें से जो उनकी बहुत पुरानी फिल्में थी जो उन्होंने शायद मीना कुमारी के साथ एक शहीद करी थी उन्होंने, हाँ उन्होंने करी थी वो, शायद वतन की वो एक उसमें वो होता है फ्रीडम फाइटर होता है, अंत में इसकी डेथ हो जाती है। ही वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग इन दैट।
पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से, खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो, जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद। उससे एक जो दिलीप कुमार साहब की छाप रही, इसी क्या होता है जब आपकी पहली फिल्म किसी एक एक्टर की देख ले और वो आपको भा जाए किसी भी कारण से, और किस उम्र में, ये भी एक बात है, तो वो फिर वो कुछ भी करे या न करे उस पर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। मेरे ज़माने में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बिस्ट से भी अलग क्रश ये शब्द इस्तेमाल किया। आज भी होता है, आज भी होता है शायद जी, पर मैंने सुना नहीं है ये शब्द। लेकिन यू हैव अ क्रश, यू हैड अ क्रश ऑन देवानंद, यू हैड अ क्रश ऑन दिलीप कुमार एंड यू एडमायर्ड। अब जैसे किशोर कुमार हैं, उन पर क्रश वश कुछ नहीं था, लेकिन उनकी एंटिक्स इतनी प्यारी लगती थी। आई मीन इट वॉज एंड देन ही वॉज अ ग्रेट सिंगर। गोरी जरा बतिया सुनो जी मोरी मोरी, ठीक ठाक ठाक ठाक। कोई तेरी गली आया चोरी चोरी चोरी, ठीक ठाक ठाक ठाक। काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी, हे 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 हे, ठीक ठाक ठाक ठाक। गे 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 गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले वो, मैं हूँ लोहा चुम्बकटू। फिल्मों में विलेन का भी एक बड़ा रोल होता है, किसी विलेन को याद कीजिए। अब विलेन तो सबसे ज्यादा तो प्राणी थे सबके। देश में पानी जीतना इतना आसान नहीं है, न मैंने कभी जिंदगी में हार मानी और न मानूंगा। लेकिन प्राण फिर इवॉल्व करे, प्राण थे और एक वो एन के सिंह या ए के सिंह थे कोई, सिंह के एन सिंह, के एन सिंह जी। तो भयंकर लगते थे मतलब ऐसा लगता था कि कोई राक्षस आ गया। तो ये है तेरे बाबूजी, अच्छा हुआ ब्याह से पहले इनका भी खटखट गया। बैठे ब्याह के मंत्र पढ़ो, मैं अभी इस लाश को दरिया में फेंक कर आता हूँ। बाबूजी तेरे बाबूजी, मैं अभी इसे दरिया में फेंक के आता हूँ, दरिया में फेंक कर आता हूँ। तो ये है तेरे बाबूजी, अभी दरिया में फेंक के आता हूँ, दरिया में। एंड सिंह की तो मैं आज भी शक्ल याद करती हूँ तो थोड़ा खौफ होता है कि शीला जी हमको ये बताइए कि फिल्मों को देखकर इंसान खुश हो लेता है, उसका एक मनोरंजन होता है, ऐसे भी पल आते हैं जब वो दुखी हो जाता है, जीतता है हारता है, अपने सपनों को वहाँ जीवित होता हुआ देखता है। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई फिल्म देखते हुए रोना आया हो? हाँ, इमोशन ज़रूर होता है, लेकिन उसी वक्त क्योंकि रोना ना अपने को अच्छा लगता ना, ये अच्छा लगता कि कोई और देख रहा है आप रो रहे हैं, तो अपने को समझा लेती थी और उसी वक्त कह देती अपने को एक चुटकी मार के, ये तो फिल्मी तो है, कोई असलियत तो है नहीं, तो इसमें इसका क्या परेशानी होनी। ये बताइए कभी ये दिल किया कि फिल्मों में हीरोइन हो जाया जा जाके? नहीं, उसके कभी यही नहीं लगा कि पहुंच वहाँ कहाँ हो सकती है, कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। एक्टिंग वगैरह थिएटर में करती रहती थी मैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन इसकी तो कभी आशा भी नहीं। दूसरा ये भी था कि जैसे आपने कहा कि हम लोगों के बचपन में, हमारे बचपन में फिल्म्स वॉज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट
लिस्ट करियर। हाँ, तो कि भाई आप करियर उसको एक बना लें, और कहाँ आप जाएंगे, कैसे भटकेंगे, कौन आपके जहन पहचान का, तो उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। कोई एक गाना जो आप कभी गुनगुना लेती हो? प्लीज प्लीज, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपके श्रोता ना सही गुनगुना कर, ना सही उसको बोल करी। क्या बताऊँ मैं आपको, आनंद निकली, ओके, सिंपल सॉन्ग, इसलिए देखिए इरफान साहब, मैं आपको एक बहुत साफ बात जो मैंने अभी इन दिनों में नोटिस करा है कि पब्लिसिटी ऑफ अ फिल्म सीम्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन द फिल्म। आजकल की फिल्म्स अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी हैं, सीनरी वाइज बहुत एस्थेटिकली बड़ी खूबसूरत है, डिटेल भी अच्छा है, लेकिन कुछ उसमें गहराई में कभी कभी कमी है। आखिर में कोई एक बात जो आप फिल्म बनाने वालों से कहना चाहेंगी जिससे कि अच्छी फिल्में लोगों तक पहुंच सकें? मैं इतना ही कहूंगी कि फिल्म्स क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे जीवन पे, हर एक के जीवन पे उनका असर पड़ता है, तो अच्छी फिल्म, और अच्छी फिल्म का मतलब यही नहीं कि कहानी अच्छी हो, संगीत अच्छा हो, डायरेक्शन अच्छा हो, एस्थेटिकली भी खूबसूरत हो, तो आपकी जिम्मेदारी फिल्म वालों की इस समाज को किस राह पे ले जाना है वो जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा है, उसको खूब बखूबी निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी, आपने मसले हमको दिए। थैंक यू। प्रोग्राम यादों के साए में आज बस इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।